ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एन नाम वाले लोगों के साथ साल 2021 में क्या होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एन नाम वालों के साथ साल 2021 में क्या क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, एस्ट्रो मंदिर को आप सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो के नीचे जय शनिदेव कमेंट कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले वर्ष यानी कि साल 2021 का उपाय है, जिस उपाय को अगर आप आजमाते हैं तो आने वाले वर्ष में आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका धन संपत्ति, घर परिवार, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार व्यवसाय, इसके अलावा और भी बहुत बातें हैं, तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या क्या परेशानी और क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा होगा। तो एन नाम वालों, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ शॉर्टकट में, उसके बाद जानेंगे पूरे विस्तार से। एन नाम वालों के अनुसार साल 2021 का समय सामान्य रहेगा। इस वर्ष में आपको जो परिणाम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो मिला जुला रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। इस वर्ष के दौरान आप में से जो भी लोग अपने घर से बाहर जाना चाहते हों, अपने देश से बाहर जाना चाहते हों, तो घर से बाहर जाने का और विदेश जाने का संयोग बन रहा है। वहीं दूसरी ओर इस वर्ष के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज़्यादा देना होगा। इस वर्ष के दौरान अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही करते हैं तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा साल 2021 में एन नाम वाले जातकों का करियर भी बहुत ज़्यादा बेहतर या शानदार नहीं रहेगा। इस वर्ष के दौरान आपके करियर के क्षेत्र में आपको चुनौती का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इस पूरे वर्ष में राहु एन नाम वाले जातकों के सातवें घर में रहने वाला है और इस वजह से आने वाले वर्ष में आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत ज़्यादा होगी। इस वर्ष के दौरान अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, इस वर्ष में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो कुछ भी करने से पहले आप सोच विचार लें। जल्दीबाजी में अगर आप कोई फैसला करते हो तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक नौकरी करते हो, तो इस वर्ष के दौरान अपने नौकरी में आप अपने कामकाज से, अपने मेहनत के दम पे अपने बॉस को, अपने सीनियर को खुश करने का प्रयास करें, अन्यथा आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के हिसाब से यह वर्ष साल 2021 आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा। वैसे साल के शुरुआत में आपका पैसा थोड़ा बहुत खर्च होगा, लेकिन अगर अपने फालतू के खर्चों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपको पैसों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इसके अलावा अगर लंबे समय से आप किसी केस मुकदमे में फंसे हुए थे तो इस वर्ष के दौरान उस मुकदमे से बाहर निकलने में आपको आसानी होगी और इस वर्ष के दौरान उस मुकदमे में उस विवाद में आपकी विजय होगी जो कि आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं एन नाम वाले छात्रों के बारे में। मित्रों, इस वर्ष के दौरान आप में से कोई भी जातक अगर प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो इस काम के दृष्टिकोण से साल 2021 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बेहतर है। इस वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। इस वर्ष के दौरान अगर अपने पढ़ाई लिखाई में आप मेहनत और एकाग्रता के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका भाग्य, आपका ग्रह आपका साथ अवश्य देगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से 2021 आपके लिए सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। इस वर्ष के दौरान आपके घर परिवार में उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके घर वालों के साथ आपका संबंध भी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इस वर्ष के दौरान आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, खास तौर पे आपके पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, तो अपने घर परिवार में आप सभी लोगों को खुश करने का प्रयास करें। इस वर्ष के दौरान आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो आप में से जो भी जातक प्रेम संबंध में है तो इस वर्ष के दौरान अपने प्रेम संबंध में आपको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी होगी, क्योंकि इस वर्ष के दौरान संभव है कि छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के साथ विवाद बहुत ज़्यादा होगा और आप में से बहुत से लोग उस विवाद के वजह से मानसिक प्रेशर में आ जाएंगे, मानसिक तनाव में आ जाएंगे और इस वजह से आने वाले साल में आपके प्रेम संबंध में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे वर्ष में शनि की दृष्टि आपकी राशि के पांचवें घर में रहेगी और पांचवें घर में रहने के वजह से आप दोनों के संबंध में नोक झोंक के अलावा प्रेम भी बहुत ज़्यादा होगा, प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य। मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय अच्छा नहीं बीतेगा। इस वर्ष के दौरान अगर आप किसी बीमारी के चपेट में आते हैं तो बीमारी से संक्रमित होने के बाद उस बीमारी से मुक्त होने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष के दौरान अगर आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो ठीक होने में आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो मित्रों, अभी आपने शॉर्टकट में सुना, इसके बाद बात करते हैं आपके करियर के बारे में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे भी आप सुनने का प्रयास करें। दोस्तों, इस वर्ष में एन नाम वाले जातकों के लिए करियर के लिहाज से साल 2021 अच्छा नहीं बीतेगा। इस वर्ष के दौरान आपको चुनौती का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इस वर्ष के दौरान शनि आपकी कुंडली के तीसरे घर में रहेंगे और शनि के तीसरे घर में रहने के वजह से अपने करियर के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, परेशानी का सामना नहीं करेंगे, तब तक अपने करियर के क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिलेगा।
मित्रों, साल 2021 में जनवरी से लेकर मध्य मार्च के बीच, मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल, मध्य जून और मध्य जुलाई का समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगा। इस वर्ष के दौरान, इस अवधि में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, इस अवधि के दौरान अगर अपने करियर के क्षेत्र में आप कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, तो फैसला करने से पहले आप सोचें, विचारें उस फील्ड के बारे में, आप सारी जानकारी प्राप्त करें जिस फील्ड में आपको जाना हो, और सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, कोई फैसला करें। यह आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप में से जो भी लोग नौकरी करते हो, तो इस महीने के दौरान यानी कि जनवरी से लेकर मध्य फरवरी, मध्य मार्च से लेकर मध्य अप्रैल, मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई के बीच आपके नौकरी में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक, जो भी दर्शक नौकरी करते हो, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए जुलाई के महीने में ट्रांसफ़र का योग है। इस महीने के दौरान आपके पद में, आपके नौकरी में आपको कहीं और जाना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस वर्ष के दौरान आप जॉब या फिर काम के सिलसिले में देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं, व्यापार के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो साल 2021 आपके कामकाज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ख़ास तौर पे मार्च, मई, जून, अगस्त और अक्टूबर के महीने में आपके व्यापार में, आपके कामकाज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, जो कि आपके कामकाज के लिए, आपके व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी है। वैसे मित्रों, साल 2021 में मई और अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। इस महीने के दौरान अगर अपने करियर के क्षेत्र में या फिर अपने व्यापार व्यवसाय में आप कोई परिवर्तन करते हैं, या इस महीने से अपने कामकाज में आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ देगा। मई और अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और आपका आने वाला समय बेहतर और शानदार हो जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं आपके आने वाले वर्ष के धन संपत्ति के बारे में। तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका साल 2021 अच्छा बीतेगा। इस वर्ष के दौरान धन संपत्ति के मामलों में आपको परेशानी का सामना बहुत कम करना होगा। इस वर्ष से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, तो इस वर्ष के दौरान आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, और उस पैसे के वजह से आपके जीवन में जो आर्थिक परेशानी होगी, धन संपत्ति के वजह से जो परेशानी होगी, उस समस्या का अंत हो जाएगा। मित्रों, इस वर्ष के दौरान अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में है, तो कोर्ट कचहरी में भी आपकी जीत होगी, उस मामले का समाधान होगा, और उस मामले में आपको जीत अवश्य मिलेगा। अगर आप लंबे समय से धन संचय करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी न किसी कारण से मुमकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि साल 2021 में इस मामले में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप प्रयास करते हैं, तो पैसे बचाने में आपको सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय शानदार होगा। हालांकि अप्रैल के महीने से लेकर सितंबर के बीच का समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इस अवधि के दौरान आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
इस वर्ष के दौरान धार्मिक कार्यों पर, सामाजिक कार्यों पर आप पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। इस वर्ष के दौरान आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा और उस कार्य में भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन इन खर्चों से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अप्रैल, जुलाई, अगस्त और दिसंबर के महीने का शुरुआत का जो समय रहेगा वह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और शानदार होगा, क्योंकि इस महीने के दौरान, महीने के शुरुआत में पैसे कमाने का मौका आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और इस वजह से आने वाले समय में आपको पैसों की कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो धन संपत्ति के मामले में साल 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। इस वर्ष के दौरान पैसों के मामले में आपको परेशानी का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले वर्ष के दौरान किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो उपाय बहुत ही ज़्यादा सामान्य और आसान है। इस वर्ष के दौरान आप भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन डेली तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एन नाम वालों, अगर आप चाहते हैं कि 2021 में आपको कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो, तो भगवान सूर्य को आप डेली तांबे के पात्र से अर्घ दें, आपका समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें, ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हों वो इस वीडियो को देखें और अपने समय को बेहतर और शानदार बना सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।